हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किया सोनेट के स्टेबिलिटी के बारे में, कैसी रहती कॉर्नर्स पे, कैसी रहती हाई स्पीड पे इसकी स्टेबिलिटी, और कितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है चलाने में। चलिए देखते हैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक गाड़ी के स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है उसके सस्पेंशंस का और उसके चेसी के डिज़ाइन का। एक गाड़ी को स्टेबल रहने के लिए एक स्टिफ सस्पेंशंस और अच्छी डिज़ाइन वाली चेसी होनी चाहिए। लग्जरी गाड़ियों में उनके सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं, लेकिन चेसी का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, इसी कारण वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है हाई स्पीड्स पर। लेकिन नॉर्मल गाड़ियों में अगर सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है तो गाड़ी स्टेबल नहीं रह पाती, वो रोड पर नाव जैसी हिलती रहती है, पानी में जैसे नाव तैर रही है। अगर बात करें किया सोनेट के हाई स्पीड स्टेबिलिटीज की, तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है इसके स्टिफ सस्पेंशंस, लेकिन इस जगह पे ये इसका एडवांटेज बन जाता है। इसके स्टिफ सस्पेंशंस के कारण ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है ऑन हाई स्पीड। ये गाड़ी बिल्कुल भी पैनिक फील नहीं होती वाइल हाई स्पीडिंग और ईजीली पुश होती है। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, गाड़ी कितनी भी सेफ़ हो आपको उसको लिमिटेड स्पीड पे ही चलानी चाहिए। ओवर स्पीड पे गाड़ी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, इसी कारण मैं सिर्फ ये एक टेस्ट में दिखाने के लिए कर रहा हूँ, सो बाकी कुछ नहीं है। ये गाड़ी 140 पे कब पहुँच जाती पता भी नहीं चलता, और 140 के स्पीड पर भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्रांटेड इसकी ड्राइवेबिलिटी है, इसी कारण ये रोड से बहुत ज़्यादा चिपक के चल रही है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इसे चलाने में। ये बहुत अपने सेगमेंट में कई गाड़ियों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है इस मामले में। अगर कंपेयर करें इसके सेगमेंट की गाड़ियों से तो उनके हिसाब से ये मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर लगती है। इको स्पोर्ट तो इससे बेहतर है, लेकिन मैं इसे सेकंड नंबर पर रखना चाहूँगा। अब ये हो गई सीधे रोड पर बात, चेक करते हैं कॉर्नर्स पे कैसे फील होती है ये गाड़ी ऑन हाई स्पीड, कितनी ज़्यादा स्टेबल रहती है कॉर्नर्स पे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि गाड़ी का रिस्पांस बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है इंजन का, जैसे ही मैं एक्सलेट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्विक इसका रिस्पांस आ रहा है और बहुत ज़्यादा पावर फील हो रही है मुझे इस इंजन से। अभी चेक करते हैं इसको कॉर्नर्स पे, आगे एक रास्ते का छोटा मोड़ आ रहा है उसमें देखते हैं कितनी ज़्यादा सेफ फील और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कॉर्नर्स पे और कितनी ज़्यादा स्टेबल रहती है ये टर्निंग के टाइम। देखते हैं कितनी स्पीड में भगाएंगे, लगता है थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा, ज़्यादा ही हो गया, चेक करते हैं अभी। जी हाँ दोस्तों, कॉर्नर पे उस गाड़ी स्टेबल रही, लेकिन थोड़ा डर लग रहा था गाड़ी को कॉर्नरिंग करते हुए हाई स्पीड्स पे, इसका मतलब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड करती कॉर्नर्स पे ये गाड़ी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वाह बेटे मौज कर दी, वाह मौज कर दी, वाह बेटे वाह।